हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते हुए हलंत शब्दों में ह पर समाप्त होने वाले लगभग सभी प्रकार के शब्दों को देख लिया। हलंत पुल्लिंग में, यानी ऐसे शब्द जिनकी समाप्ति ह पर होती है, लिह दुह द्रुह मुह श्णुह श्णेह तुराशाह विश्ववाह, इन सभी शब्दों को हमने पढ़ लिया है। अब वह य पे अंत होने वाला ऐसा कोई शब्द मिला नहीं, तो वह वाला शुरू कर रहे हैं। वह पर अंत होने वाला कोई पुल्लिंग शब्द, तो उसमें से एक शब्द दे रहे हैं सुदीव। कौन सा शब्द दे रहे हैं? सुदीव। यहां मैं लिखता हूं यह सु और फिर उसके बाद है दिव, हलंत है सुदीव। इसके बाद हम यदि देखिए हलंत प्रकरण में चल रहे हैं हम, तो आप प्रत्ययों का दो वर्गीकरण कर ही लीजिए, हर जगह हर एक काम आएगा। एक तो वर्गीकरण, जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण रहेगा तब खाली खाल जोड़ते जाना है अधिकांश शब्दों में, कुछ कुछ अपवाद हैं पर अधिकांश शब्दों में सीधे सीधे जोड़ते जाना है। औ तो सुदीव, जस सुदीव, अम सुदीवम है ना, औट सुदीव, सुदीवा, ऐसे आसानी से बनता जाएगा ना। टा सुदीवा, भ्याम को छोड़िए, ये सुदीवे, भ्याम छोड़िए, ओस ये फिर नसिंग पे सुदीवा, ओस का सुदीवो, आम सुदीवाम, ऐसे बनेगा ठीक है। पर यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण न रह करके व्यंजन वर्ण रहेगा, जैसे अब देख रहे हैं सु एक प्रत्यय लगाया हमने, सुदीव शब्द के बाद कौन सा प्रत्यय लगाया, सु पहला प्रथमा एक वचन का, सु में से बचता क्या है, सु में से स बचता है ना, रख लिया हमने इनको बचा करके। तभी अब ये अप्रयुक्त हो गया कि नहीं, स एक वर्ण वाला कोई प्रत्यय हो तो उसको अप्रिक्त कहा जाता है। ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसमें इत संज्ञा लोप होने के बाद केवल एक वर्ण बचा हो, तो उस प्रत्यय को हम व्याकरण शास्त्र की भाषा में अप्रिक्त कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो ये रहे अप्रिक्त जी, अप्रिक्त जी हैं। अगर हलंत शब्द के बाद सु का अप्रिक्त हो, टी का अप्रिक्त हो या सी का अप्रिक्त हो, तो वह लुप्त हो जाया करता है। हल्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल, ये सुप्रत्यय लगने पर सभी हलंत शब्दों में ये तो करना है, सुप्रत्यय आएगा और जाएगा सभी हलंत शब्दों में ठीक है। इसके बाद अब यह सुदीव हो गया एक पद, क्योंकि सुबंत हो गया, किसी भी पद का अंतिम वर्ण, किसी भी पद का अंतिम वर्ण नहीं, ऐसा पद हो जिसके अंत में दिव दिखाई पड़ता हो, क्या दिखाई पड़ता हो, दिव। यह दिव आप कहेंगे इसमें तो वह पूरा वाला है, यहां तो आधा वाला है, तो है क्या, यह दिव शब्द के बाद गसी गस प्रत्यय का अस लगा है ठीक, तो यह अजुड़ जाने के कारण यह पूरा हो गया दिव, और इस सा को ससजशो रू से रू हुआ, हुआ दिव रू, रू क्योंकि इसके बाद अउत का औ है ठीक, दिव अउत में अउत का औ है, ये रहा देख लीजिए, नहीं उत, अरे प्रभु थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, क्योंकि जो सूत्र पढ़ा है जहां तक वहां से आगे चलना है ना, नहीं ये सूत्र पहले पढ़ना है। तो है कि स्थिति दिव शब्द क्या है, सुदीव है ना, को थोड़ा सा और नजदीक लिखते हैं, सुदीव है, उसके बाद प्रत्यय गायब हो चुका है। सूत्र क्या है, मैं बता रहा था कि दिव औत में जो दिखाई पड़ रहा है वह सुप्रत्यय लगकर अंगस प्रत्यय लगकर जो रू बचा था, उस रू के स्थान पर क्योंकि तुरंत बाद में औ है जो कि अश प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए भो भगो अघो पूर्वस्य योसी से यह हो गया है और उसका लोप शाकल्य से लोप हो गया, तो दिव आउत है ठीक।
यहां दिव का मतलब दिव, इस वाले दिव शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। जैसे सुदिवाह बन जाता वैसे दिव का दिवाह बना है, वही विसर्ग लुप्त विसर्ग स्वरूप उसका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, स्पष्ट है। तो यह कह रहा है दिव के स्थान पर, दिव यदि पद का अंत में हो। अच्छा, यहां पद का, पद के अंत की बात नहीं कर रहे हैं, पद के अंत की बात नहीं कर रहे हैं। दिव इस प्रातिपदिक के, दिव इति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ। सौ मतलब, सौ का मतलब क्या है? सौ का मतलब ये 250 का नोट नहीं, सौ। ठीक है, तो सु, सु प्रत्यय यदि पर में हो। क्या? अच्छा, इस सुदीव के बाद सुप्रत्यय है, ऐसा हम मानते हैं कि नहीं? जरा देखिए, हल्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल कहां पर नंबर है? छ नहीं, सात दो में है क्या? हल्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल 6 1 78। ठीक है, 68 है, 6 1 68। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिव आउत पहले, और ये हल्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल, इन दोनों में एक दूसरे का कोई विप्रतिषेध नहीं है, है ना? विप्रतिषेध यदि मानेंगे दिव में अंतिम वर्ण के स्थान पर औ कर देंगे तब तो हल अंतर ही नहीं पाएगा, तो लोप नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? इसलिए हम हल्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल से पहले इसको सुदेव को गायब करेंगे, नहीं कर पाएंगे। पहले पर वाला नियम लगाना पड़ेगा ना। हाँ, पर वाला नियम पहले लगाना पड़ेगा, हम चले गए थे आगे कहीं। ये सु का सा वैसे का वैसा बचा रहेगा, ये 6 1 68 नंबर का नियम था ना। इस सा को लोप करने वाला जो नियम है 6 1 68, और एक नियम ये आ गया दिव अहुत, ये दोनों नियम एक साथ लगने लगे। ठीक, दिव अहुत और हल याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल। दिव अहुत क्या कह रहा है कि दिव अगर अंत में हो, क्या अंत में हो? दिव, जिसके अंत में दिखाई पड़ रहा हो, ऐसे शब्द के बाद सुप्रत्यय लगा हुआ हो तो दिव शब्द के स्थान पर औ हो जाया करता है, औ हो जाया करता है। औ कितने वर्ण का है? एक वर्ण का। तो वह दिव शब्द के अंतिम वर्ण व के स्थान पर आ जाएगा, तात्पर्य लिया जाए। ठीक है, तात्पर्य क्या लिया जाएगा? दिव शब्द का जो अंतिम वर्ण व है उस व के जगह पर औ हो जाएगा। कब? जब सुप्रत्यय परमे हो तब। ऐसा दिव औत ने कहा, इस औ व के स्थान पर औ कर दो। अब यदि हम औ कर देंगे, यदि हम औ कर देंगे तो फिर हलंत नहीं रह पाएगा, और फिर हल्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल नहीं लग पाएगा, है कि नहीं? तो दोनों में से पहले कौन सा लगाएं? हाँ, हल्याभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल लगा देते हैं, इसका लोप भी कर देंगे तो भी दिव औत लगेगा, क्योंकि सुप्रत्यय को तो निमित्त मानकर कार्य किया जा सकता है ना? इसको लोप भी कर देंगे तो भी दिव औत लगेगा, इसको लोप नहीं करेंगे तो भी दिव औत लगेगा। ये नित्य होने के कारण भी और पर होने के कारण भी दिव औत को पहले वरीयता दी जाएगी, है ना? तो दिव औत से हम क्या कर देंगे, इस दिव के अंतिम वर्ण जो वह है उसको हटाकर उसके जगह पे हमने कर दिया औत। औ औत मतलब औ। ठीक, तपरस्तत काल से कम अउत में अउत आदेश नहीं हो रहा, अंतिम वर्ण केवल औ हो रहा है, सुदी औ। अब यहां पर कौन सा नियम लगाएंगे आप? ये कोई यहां लगाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां दी में देखिए, ये सु वैसे वका वैसे बचा, दी में से ई हट गया तो द आधा हो गया, उस ई के स्थान पर य आ गया, ऐसे हो गया, य आधा आया उसमें औ की मात्रा चढ़ गई, सुद्यौ होगा कि नहीं? सुद्यौ। और इसके बाद यह जो सु है, सु का स, उस स के स्थान पर रू करके विसर्ग कर लेंगे तो बन जाएगा सुद्यौ, ये वाला। ठीक है, मैं यहां दिखा देता हूं, ये सुद्यौ ऐसा बन जाएगा, बन गया दिव औत लगने के कारण। यदि दिव औत न लगता तब कुछ अलग ही बनता है। स्पष्ट है,
सुद्यव बना लेंगे, सुद्यव। अब फिर सुदीव शब्द है, शब्द क्या है सुदीव, सुप्रत्यय लगाया हमने तो क्या किया दिव औत करके सुदी औ स औ दि औ में इको यानी चीज से देव कर दिया सुदेव स स को विसर्ग करके सुदेव बनाया। परंतु अब औ लगाएंगे भाई, जोड़ लीजिए सुदीव बन गया सुदीव, ऐसा वाला आसानी से बनेगा। जस लगाएंगे तो सुदीवाह आसानी से वैसे ही बन जाएगा, जस का अस बचता है सुदीवाह इत्यादि। इन्होंने कुछ और बताया ही नहीं, सुदीवाह हो गया, सुदीवम अम जोड़िए सुदीव अम सुदीवम सुदीव आउट सुदीव सुदीव शस शस में से बचता क्या है अस सुदीव अस सुदीवस सुदीवाह बन जाएगा, स्पष्ट है। टा लगाइए, टा का बचता है आ सुदीव आ सुदीवा, ठीक है। पर जब इस सुदीव शब्द के बाद हम प्रत्यय अगला लगाएंगे भ्याम, हम बताएंगे भ्याम केवल भ्याम, आपको भ्यास और भीष भी उसी तरह समझ लेना है, क्योंकि भ्याम और भ्यास भीष में खाली एक वर्ण का मतलब कोई वैसे विशेष अंतर प्रक्रियागत नहीं है हलंत शब्दों में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दिव औत का छोटा भाई दिव उत लग जाएगा, ठीक। ये दिव औत है, यह दिव उत है। अच्छा, यह दिव औत जो है ना, इसको आप देखेंगे तो यह सौ की अनुवृत्ति आ रही थी इसमें सुप्रत्यय लगे रहने पर, है ना, सावन अडुहा से सौ अनडुहा से सौ की अनुवृत्ति आ रही थी, ठीक है। परंतु इसमें क्या होगी, यह पदस्य की अनुवृत्ति आ रही, पद के अधिकार का है, 8-16 नंबर सूत्र से देख लीजिएगा है, नहीं 6-16 हम 8-16 गलती से बोल रहे हैं, 6-16 नंबर सूत्र से 16 ही है कि कुछ दूसरा है पदस्य, पदस्य देखिएगा, नहीं है 16 पे नहीं है, तो 6-1 में ही है कहीं ना कहीं पदस्य, इतना तो पता पक्का है, पर देख लीजिए एक मिनट। देव उत जो है ना वह, एक मिनट, दिव दिव शब्द का उससे पदांता से आ रहा है, अच्छा उसी अपदांता नहीं, अपदांता नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं उससे पदांता से नहीं आएगा, यहां आएगा केवल संहितायाम आ रहा है और पदस्य आ रहा है, तो पदस्य कहाँ है भाई, पदस्य 8-16 है, तो यहाँ पद की बात कहाँ से आई जो पदांतस्य की बात कह रहे हैं, यदि पदस्य की अनुवृत्ति आती हुई कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी देव उत संहिता के अधिकार से जस्ट पहले है, देव उत की संहितायाम है, संहितायाम है नहीं है, वैसे पदस्य की अनुवृत्ति नहीं आ रही, लेकिन कहीं से पदांतस्य की बात आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मिला नहीं। यहां क्या कह रहे हैं कि चलेगा, दिव जो है ना दिव, उसके यदि वह दिव पद के अंत में आ रहा हो, कहां आ रहा हो, पद के अंत में आ रहा हो, तो उस दिव के अंतिम वर्ण के स्थान पर ऊ हो जाया करता है, दिव शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा ऊ, दिव उत, दिव उत, तो दिव के स्थान पर अंतिम आदेश हो जाया करता है ऊ, कहां कब पदांते, यहां पर अष्टाध्यायी का जो प्रसंग है उसको अभी मत सोचिए ज्यादा, मैं उसको बताऊंगा खोज के, ठीक है, कि कहां से यह आया पदांते की बात कहां से चल रही है, क्योंकि आसपास कोई पदांत वाला प्रकरण दिख नहीं रहा है, तो ये पदांते वाली बात कहां से आई कैसे आई वो बताएंगे, ठीक है। पर अभी दिव उत जो है ये क्या कहता है, दिव यदि पद के अंत में आ रहा हो तो उस दिव के स्थान पर उत हो जाया करता है, यानी ह्रस्व उ हो जाया करता है। अब ह्रस्व उ हो रहा है किसके स्थान पर, दिव के स्थान पर, दिव के स्थान पर हो रहा है ना ह्रस्व उ, पूरे दिव के स्थान पर आएगा कि अंतिम वर्ण के स्थान पर आएगा,
अंतिम वर्ण के स्थान पर आएगा क्योंकि एकाल है, तो यह जो अंतिम वर्ण वह है वो हट कर उ हो जाएगा, सुधी उ। ठीक क्या? अब आप कहेंगे कि यण के स्थान पर हुआ था ना, वह के स्थान पर उ हुआ है, यण के स्थान पर एक हुआ है, इसको हम संप्रसारण शब्द से भी कह सकते हैं, मान सकते हैं कि यह संप्रसारण हुआ है, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यण के स्थान पर अगर एक हो रहा हो तो वह संप्रसारण शब्द के द्वारा भी अभिप्रेत किया जा सकता है, पर यहां संप्रसारण अगर मानेंगे भी तो संप्रसारण अच से पूर्व रूप करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसके बाद अच नहीं है। ठीक है, तो सुधी उ यहां पर इको यणची से इस ई और इस उ, देखिए ये सु ऐसे रह जाएगा, दी में से द केवल बचा, ई के जगह पे आ गया य, और फिर उ के जगह पे क्या आ गया उ। ठीक, अच्छा इस द या उ तीनों को जोड़कर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक द य उ, ये ऊपर आधा द दिख रहा होगा, नीचे यह दिख रहा होगा, उसमें ऊ की मात्रा चढ़ी हुई दिखाई पड़ रही। ठीक, तो क्या बन गया? सुद्युभ्याम, जोड़ लीजिए, सुद्युभ्याम सुद्युभ्य ऐसा सब बन जाएगा। दिव उत नियम लगेगा कब? दिव उत नियम कब लगेगा, ये समझ गए हैं। अब इसके बाद भाई शब्द वही रहेगा, सुदिव भ्याम भी लगाकर सुद्युभ्याम सुद्युभ्य बना लिया सुद्युभि, फिर उसके बाद ङे लगाया तो सुदिवे, भ्याम लगाया तो सुद्युभ्याम, है ना, दिव उत लग जाएगा भ्याम लगने पर, फिर उसके बाद सुद्युभ्य, फिर सुदिवः सुद्युभ्याम सुद्युभ्य सुदिवः सुदिवोः सुदिवाम सुदिवि होगा, सुदिव गी सुदिव ई सुदिवी, फिर सुदिवो और फिर सुदिव धन, सुप लगा, सुप में से बचा सु, सुदिव सु, बाकी हलंतम से संज्ञा होगी। अब सुदिव सु जो है इस सु में से ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या कर काम कर सकते हैं, वह कर देंगे। अच्छा, आदेश प्रत्यय नंबर क्या है? आठवें अध्याय में है ना, आदेश प्रत्यय 8-4, 8-3-59 है ना, 8-3-59 है, हाँ ठीक है, तो वह आठवें अध्याय का, तो इसलिए आदेश प्रत्यय पहले न करके पहले हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यह पद का अंतिम वर्ण है, वह पद का अंतिम वर्ण पद संज्ञा होगी किससे? सादृश्य सर्वनाम स्थाने से, तो पद का अंतिम वर्ण वह है, इसलिए दिव उत लगकर इस वह के जगह पे हो जाएगा उ, वह के जगह पर उ हो जाएगा, इको यणची से इस ई के जगह पे यह हो जाएगा, तो द आधा बचा, उससे इको यणची से यह होकर आया और उसमें उ जुड़ गया, सुद्यु सु। फिर अब यहां देखिए उ दिखाई पड़ रहा है, उ के बाद दंत स दिखाई पड़ रहा है, तो इनका ये आदेश प्रत्यय से इसको मूर्धन्य कर दिया, सुद्युषु सुद्युषु। ठीक, हे सुद्यौ हे सुदिवौ हे सुदिवः, स्पष्ट है। अब चलिए दिव, व अंत पर होने वाला, व पर समाप्त होने वाला केवल एक ही शब्द था दिव, व के बाद कौन किसकी बारी आई? रा या वरा, हा खत्म हुआ, वह खत्म हुआ, अब या पर कोई उदाहरण नहीं मिला, वह खत्म हुआ, अब र की बारी आई, तो र पर समाप्त होने वाला शब्द मिला हमें कौन सा? चतुर। पर एक आप इसकी विशेषता जान रहे होंगे कि यह शब्द केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी इसके बाद आप केवल जस भ्यस भिस भ्यस भ्यस उस नहीं जस सस भिस भ्यस भ्यस आम सुप इतना साते प्रत्यय लगा सकते हैं, है ना।
तो चलिए जस लगाकर देखते हैं। चतुर्जस, यहां सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा है कि नहीं? चतुर या अनडूह के बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो तो चतुर अनडूहो रामुदात्तः नियम लगता है कि नहीं? चतुर और अनडूह शब्द के बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगे रहने पर चतुर और अनडूह शब्द को आम आगम होता है उदात्त। तो अब चतुर शब्द में देखिए च वैसे बचेगा, तू वैसे बचेगा, अंतिम स्वरवर्ण ऊ था उसी के बाद आम का आगम हो गया और र वैसे का वैसा हमने लिख दिया, जस का अस बचा दिया। ठीक, आम में से म की अलंतम से संज्ञा करके तस्लोपा सुलोप करेंगे और चतु आ इको यणची से इस ऊ को व बना देंगे तो ये त हो गया आधा और ऊ के स्थान पे व हुआ, उसमें आ की मात्रा चल गई, चत्वा चत्वार बन गया। ठीक, क्या बन गया? इस ता को आधा करके हम लिख देते हैं, बन गया चत्वार अस, चत्वारस बन जाएगा ना, चत्वारस। ठीक है, इस रा को आ के कारण पूरा कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, ये था च, तू में जो ऊ था उसको इको एनर्जी से व होकर व बन गया तो चत्व आम आगम हुआ, उसका आ है, चतुर का र है, उसमें अस का आ जुड़ गया तो चत्वार हो गया और अस का स ऋतु विसर्ग होकर चत्वारह बन जाएगा। बना लेंगे। अब इसी चतुर शब्द के बाद यदि जस प्रत्यय ना होकर शस होता और उसका अस होता तो क्या होता? यह तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं है, सर्वनाम स्थान नहीं है ना, तो चतुर अनडूहो रामुदात्तः लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, आम आगम नहीं कर पाएगा, है ना? तो जब चतुर अनडूहो रामुदात्तः नहीं लगेगा, आम का आगम नहीं होगा, तो चतुर वैसे का वैसा बचा रह जाएगा, चतुर शस, चतुर अस, चतुरस, साकुरुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, चतुरह बन जाएगा, है ना? पणानेक शते दद्यात् चतुरः पंचमानुषे, चतुरः। तो ये चतुरः शब्द का दो अर्थ है, क्या बात है, हमारी डायरी जी कहाँ गई? ऐसे ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं ना जिसके दो अर्थ हम कभी प्रयोग कर सकते हैं तो उसको लिखना चाहते हैं कि कहीं किसी कविता में लिखेंगे जब तो इस शब्द का प्रयोग करके हम दो अर्थ ला सकते हैं, है ना? चतुरा मतलब चालाक और चतुरा मतलब चार लोगों को, चार को, है ना? तो खोजते रहते हैं शब्द, जब मिलते हैं तो जरूर लिख लेते हैं। तो चतुर चतुरा बन गया। अब फिर इसके बाद चतुर के बाद भिस जोड़िए, ठीक है, चतुर भिस, है ना? चतुर्भिः सचिवैः सार्धम्, चतुर्भिः बन जाएगा, भिस में सा कुछ सा को रू कर दीजिएगा, विसर्ग कर दीजिएगा, चतुर्भिः, है ना? रामः चतुर्भिः तप्यते कारुण्येन अनुशंसेन भये, क्या है, भयेन मदनेन च। ऐसे तो चार चार चीजों से राम संतप्त हो रहे थे, है ना? दया से, करुणा से, डर से, काम से, ये चार से संतप्त हो रहे थे, ऐसा हनुमान जी ने वहां कल्पना की है सुंदरकांड में। अब फिर इसके बाद चतुर्भ्यः, देखिए शब्द क्या है, चतुर प्रत्यय कौन सा लगेगा? चतुर पंचमी का लगाइए चाहे चतुर्थी का लगाइए, बहुवचन वाला, भ्यस, है ना? स को ऋतु विसर्ग करने की खाली जरूरत है और र को ऊपर चढ़ा देने की जरूरत है, चतुर्भ्यः, ठीक है, स्पष्ट है? तो चतुर्भ्यः बन जाएगा। फिर इसके बाद हाँ चतुर भ्यस भ्यस हो गया, जस शस भीस भ्यस भ्यस, पांच देख चुके हैं, अब बारी बचा है केवल दो, एक तो चतुर, इसके बाद यहां बताइए कौन सूत्र याद आ रहा है आपको कुछ काम करने के लिए? हसन अध्यापन नुट तो नहीं लग रहा पाएगा ना बेचारा, नुट आगम नहीं करेगा, नाम नहीं हो पाएगा, तो नाम चतुर नाम कैसे बनेगा? चतुर नाम एव ही गति वानराणाम तपस्वी तरस्वी नाम,
है ना। तो चतुर्नाम कैसे बनेगा? तो उसके लिए नियम है अगला, षट चतुर्भ्यश्च। क्या है? षट चतुर्भ्यश्च, ठीक। षट चतुर्भ्यश्च क्या कहता है कि षट संज्ञक जो शब्द हैं, या फिर षट शब्द केवल कह रहे, मुझे षट संज्ञक शब्द लग रहा है, षट संज्ञक में और कोई ऐसा हो जिसका अंतिम वर्ण षट किसका होगा? षणांता षट, नकारांत, पंच पंचन आम पंचानाम, है ना। और हाँ, षट चतुर्भ्यश्च का मतलब यहां षट संज्ञक शब्द ही लेना है। षट संज्ञक किसकी थी? षट संज्ञा किसकी थी? तकारांत, सकारांत और नकारांत शब्दों की, श्नांता षट डति च, सकारांत और नकारांत शब्दों की तथा डति प्रत्ययांत शब्दों की, है ना। तो श्नांता षट, एक मिनट, षट चतुर्भ्यश्च हम देख रहे हैं, ये तो ये तो हो गया। चलिए दिव हम अब षट चतुर्भ्यश्च एक मिनट निकाल लेते हैं फिर से ही, ये थोड़ा अपने अपने आप हमारे बाजी अपने आप काम कर रहे हैं, जो हम चाह नहीं रहे वह कुछ कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, षकारांत बिल्कुल षट संज्ञक शब्द और चतुर शब्द के बाद आने पर नुट आगम होता है, ठीक। षट संज्ञक शब्द होना चाहिए, षट शब्द नहीं, तो षट संज्ञक शब्द और चतुर शब्द। षट संज्ञा किसकी थी? तो षट संज्ञा में उदाहरण दिया है, पंचन शब्द की भी षट संज्ञा थी, सप्तन शब्द की भी षट संज्ञा थी, अष्टन शब्द की भी षट संज्ञा थी, नवन की भी षट संज्ञा थी, दशन की भी षट संज्ञा थी, ऐसे सब जिनके अंत में ना आ रहा हो, या शस शब्द की भी षट संज्ञा थी, शस, है ना। तो श्नांता षट, डति च में तो डति प्रत्यय लगकर जो कति इत्यादि बनता है उसको भी आप षट चतुर्भ्यश्च से वहां कति के बाद भी आप नुट आगम कर सकते हैं, ठीक। कति नाम इत्यादि वहां यद्यपि ह्रस्व अध्यापो नुट से भी सिद्ध है, पर ह्रस्व अध्यापो नुट के बाद वाला नियम लगाना ज्यादा जरूरी है, ठीक। क्यों? अब देखिएगा, चतुर आम षट चतुर्भ्यश्च से जब हम नुट आगम कर दिए तो इस आम को क्या कर दिया हमने? नाम, चतुर नाम, चतुर नाम हो गया। एभ्यः आमो नुडागम, सिंपल है कि नहीं? ये भी आप समझ गए होंगे, दिव इति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ। दिव यह जो प्रातिपदिक है इसके औ, इसके स्थान पर, इसके अंतिम वर्ण के स्थान पर औत स्यात् औ हो जाता है सौ, यानी सुप्रत्यय परे रहने पर, उदाहरण के साथ भी आप जान गए होंगे। फिर इसके बाद दिवो अंतादेश उकार स्यात्, दिव के अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश हो जाता है उ, कब? पदांत में, शुद्धिभ्याम इत्यादि। चत्वारा अब बना रहे हैं, चतुरा बना लिया हमने, चतुर चतुरा बना लिया, चतुरा बना लिया, चतुर्भी बना लिया, चतुर्भ्या बना लिया, ठीक। फिर नियम लगाया हमने षट चतुर्भ्यश्च, तो यह कहता है षट और चतुर्भ्य इन दोनों प्रकार के शब्दों से, षट संज्ञक शब्द और चतुर शब्द से आम को नुट का आगम हो जाया करता है। आम को कौन सा आगम होता है? नुट का आगम। तो नुट आगम करके चतुर नाम बना लिया हमने, क्या बन गया? चतुर नाम। अब इसके बाद आगे चलना है हमको ये यहां पर, ठीक। वो जो बना है उसको हम यहां लिख, ये कहा लिख रहे हैं? चतुर नाम, ठीक, चतुर नाम। यहां एक अगला सूत्र दिखाई पड़ रहा है, रसाभ्याम नो अण समान पदे, समान पद होना चाहिए, अलग अलग पद नहीं होना चाहिए, ठीक। एक ही पद हो तो, एक ही पद हो, ये देखे चतुर और आम प्रत्यय लगकर जो बना है सुबंत होने के कारण यह चतुर नाम एक ही पद है ना, एक ही पद है कि नहीं? सुबंत होने के कारण चतुर नाम को एक पद कहा जाएगा कि नहीं?
तो यह एक पद है, समान पद है। उसी समान पद में र अथवा श के बाद ऋषाभ्याम यानी र और श के पर में पंचमी लगा हुआ है, र और श के पर में न आता हो तो उसके जगह पे अणा हो जाया करता है। सूत्र से ही समझ गए होंगे, है ना। र अथवा श के बाद यदि न दिखाई पड़ रहा हो तो उसको ना कर डालिए, यदि वह समान पद में हो तो। अलग अलग पद में हो तो नहीं, जैसे एक शब्द है पुनर और इसके बाद है नवा, है ना। तो ये पुनर एक अलग पद है, नवा एक अलग पद है, इसलिए पुनर्नवा नहीं होगा, पुनर्नवा बनता है। ठीक, पुनर्नवा, क्योंकि दोनों अलग अलग शब्द हैं। अलग अलग शब्द होने पर न तो नहीं होगा, एक ही शब्द में रहेगा र और न। रा के तुरंत बाद न हो या श के तुरंत बाद न हो तो उस न के जगह पे ण हो जाया करता है। स्पष्ट है। तो हमने इस न के जगह पर क्या कर दिया, ण कर दिया, चतुर्णाम बन गया, बना। लेकिन अभी इसमें हो सकता है और कुछ वृत्ति में मिले आपको, ऋषाभ्याम नोण हमें नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र में आसान है, अर्थ समझ गए हैं आप लोग। ऋषाभ्याम र और श के बाद आता हो ना, तो उसके स्थान पर ण हो जाया करता है, समान पद होना चाहिए। सिंपल है, सूत्र का अर्थ समझ ही गए, तो कुछ बताने की वृत्ति वो नहीं लिखी कहीं कहीं लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने। अब कहां पहुंचे हैं हम, नहीं इधर मत खसको, हाँ है चतुर, ऐसे ही लिखते हैं अभी, चतुर और फिर नाम, ऐसे लिखा। यहां पर अचो रहाभ्याम द्वे, ये सूत्र शायद पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पहले पढ़ चुके हैं ना। उसने बताया था क्या कि पहले होना चाहिए अच, क्या उसके बाद में होना चाहिए र अथवा हा, उसके बाद में होना चाहिए यर। ठीक, यरोनुनासिके अनुनासिको वास यरह की अनुवृत्ति आ रही है, तो पहले अच हो उसके बाद र अथवा ह हो उसके बाद हो यर, तो यर हो जाता है क्या, यर का डबल हो जाता है, यर यर हो जाता है। ठीक, यहां पर है क्या ऐसा कुछ, देखिए ये रहा अच, अच दिख रहा है, ये देखिए है, उसके बाद र अथवा हा में से कुछ होना चाहिए, ये रहा है ना, उसके बाद यर होना चाहिए, ये देख लीजिए यर है, यवर अला यमंगाना में दिख जाएगा, यर में मैंने बताया हा को छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं, है ना, हा को छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं, तो ये रहा यर है ना। तो अब देखिए पहले होना चाहिए अच, उसके बाद होना चाहिए र या ह, उसके बाद होना चाहिए यर, तो उस यर को हो जाता है डबल, यर को डबल कर दीजिए इस ण को, तो क्या हो जाएगा, देखिए पर यह विकल्प से होता तो णाम हो जाएगा, है ना, और फिर एक र उस पर चढ़ जाएगा ये, है ना, तो ऐसा वाला रूप भी बनेगा चतुर्णाम, और फिर ऐसा वाला रा, इस र को इधर सिर पे चढ़ा दीजिए, चतुर्णाम ऐसा वाला भी बनेगा। ठीक, चतुर्णाम 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 प्रणाम, दोनों एक साथ दिखाई पड़ेगा। तो स्पष्ट है ये दोनों, ये क्या है। अच्छा, यहां पर यरोनुनासिके अनुनासिको वा से यरह और वा की अनुवृत्ति आ रही है इस अचोरहाभ्याम द्वे में। ठीक, अचोरहाभ्याम द्वे में किसकी अनुवृत्ति आ रही है, यरह वा द्वे। अब द्वे तो लिखा ही है ना, अचह अच के पर में हो रा या हा, उसके पर में हो यर, तो उसको विकल्प से हो जाता है द्वे, डबल हो जाता है सीधी आसान बात। तो क्या कहा, अच पराभ्याम यानी अच के पर में आने वाले रेफ हकाराभ्याम, रेफ और ह के बाद, पहले अच के पर होना चाहिए रेफ और हकार, रेफ या हकार यानी र या ह,
उसके पर में आ रहा हो यर, तो उस यर को द्वेवास्ता विकल्प से द्वेतो हो जाता है। ठीक, विकल्प से डबल कर सकते हैं, न करना चाहें तो विकल्प से डबल न करें। ठीक, तो चतुर्णाम और चतुर्णाम बन गया। अब फिर उसके बाद चतुर शब्द के बाद कौन सा प्रत्यय लगाएं हम? चतुर शब्द है और फिर सु, सुप है प्रत्यय सुप, पर सुप में से आप हलंत्यम जी को जानते हैं, हलंत्यम पर तो अब आप सबने पीएचडी कर ली है समझ लीजिए, है कि हलंत्यम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो इसलिए उसको हम बता नहीं रहे हैं हलंत्यम को। पर अब देखिए, कभी कभी देखिए आपने कोई उदाहरण मैं खोज रहा हूं जहां पर रू का आता हो, सकारांत कोई शब्द है क्या, मैं उदाहरण ऐसा कोई खोज लूं जहां पर यह जो अंतिम में र दिखाई पड़ रहा है सु से पहले वह रू का होना चाहिए। जैसे चलिए, जैसे देखिए दो स्थिति बता रहा हूं मैं, एक है पयस या मनस, ठीक, क्या है पयस या मनस, मनस ही लेते हैं, मनस ज्यादा फेमस है, सबके पास है, दूध सबके पास नहीं है, मनस और यही सुप प्रत्यय लगा हुआ है, तो मनस की पद संज्ञा होगी कि नहीं, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होनी चाहिए, पद का अंतिम वर्ण स है, तो उस स के स्थान पर, उस स के स्थान पर हो जाएगा ससजशो रू से रू, उस रू में से बचेगा का र, ठीक, उस रू में से र के स्थान पर क्या बचेगा र, और उस र के स्थान पर हो जाता है खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग। ठीक, तो क्या बनता है मनस। ठीक, अब यही प्रश्न उठ रहा है कि र, र के बाद रेफ के बाद पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए रेफ, रेफ के बाद या तो खर वर्ण आ रहा हो या तो अवसान आ रहा हो, तो रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाना चाहिए, है कि नहीं, रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाना चाहिए, ऐसा स्थिति आई तो इस र को विसर्ग करने लगा, है कि नहीं, खरवसाने और विसर्जनीय लगना लगने लगेगा कि नहीं, तभी उसको रोकने के लिए यह रोह सुपी आ जाएगा। रोह सुपी क्या कहेगा कि सप्तमी एक वचन वाला जो सुप प्रत्यय हो, सप्तम सभी सुप प्रत्यय की बात नहीं चल रही, सप्तमी एक वचन वाला जो सुप प्रत्यय है, उस सप्तमी एक वचन वाले सुप प्रत्यय से पूर्व में यदि रू आ रहा हो तो उसको ही विसर्ग होगा, अन्य किसी र को विसर्ग नहीं होगा, अन्य किसी र को, ये देखिए र तो है पर यह रू नहीं है। ठीक, अच्छा यहां पर आप देखिए ऊपर से विसर्ग की अनुवृत्ति कहां से आ रही है, खरवसाने और विसर्जनीय, ठीक, वहां से विसर्जनीय की अनुवृत्ति आ रही है ना, तो पर सुपी खरवसाने हो, सुप प्रत्यय का खर हो, सुप प्रत्यय का खर हो तो विसर्ग कब होगा, सभी रेफ को नहीं हो पाएगा, रो रू को भी विसर्ग हो पाएगा, तो देखिए रो रेव विसर्ग सुपी, रू का जो र है उसको ही विसर्ग हो पाएगा यदि सुप प्रत्यय लगा हुआ हो तो, ऐसा रोह सुपी सूत्र लगा तो कहा। ठीक, अच्छा एक ने, आपने इसी तक का जुड़े हो जुड़वा भाई सूत्र पढ़ा होगा रो सुपी, है ना, वह अहन शब्द के प्रसंग में था, आ रहा है इत्यादि उदाहरण देखे थे, है ना, आहर गण असुप प्रत्यय पर में हो तो अहन के ना के स्थान पर रह कर देता था, वह रो असुपी था, यह रोह सुपी है, वह र आदेश करता था अहन शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर, है ना, यह रू के स्थान पर ही विसर्ग होगा ऐसा नियमन कर रहा है। ठीक, अच्छा
यह रोह सूपी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यद्यपि खरवसाने और विसर्जनिया से यह एक ऐसा सूत्र है, नियम सूत्र, रोह सूपी जो है नियम सूत्र है। खाली मतलब इसका इतना ही निकलेगा, सुप प्रत्यय पर में हो, सप्तमी बहुवचन वाला सुप प्रत्यय पर में हो तो रू के स्थान पर विसर्ग हो जाया करता है। ठीक, सुप प्रत्यय पर में हो तो रू के स्थान पर विसर्ग हो जाया करता, ऐसा रोह सुपी का अर्थ एक सामान्य दृष्टि से निकला, सामान्य दृष्टि से। तभी आपके मन में प्रश्न उठा कि भाई यह कमवा तो खरवसाने और विसर्जनीया से हो सकता था यह सूत्र बनाए बिना। मान लीजिए रोह सुपी जो सूत्र कार्य कर रहा है, मान लीजिए यह क्या कहा, रोह सुपी विसर्जनीय, सुप प्रत्यय पर में हो तो रू के स्थान पर विसर्ग हो जाया करता है। तो भाई सुप प्रत्यय पर में है ना, देख लीजिए सुप प्रत्यय पर में है तो इस रू के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। यह तो तब भी हो जाता जब रोह सुपी सूत्र ना होता, खरवसाने और विसर्जनीय होता तो भी हो जाता, क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण है, रेफ है, उसके पहले विसर्ग हो जाता। तो जो नियम पहले से ही, जो काम पहले से ही किसी सूत्र से प्राप्त है, उस काम को करने के लिए यदि भगवान पाणिनि कोई दूसरा सूत्र भी बना रहे हैं तो वहां वह नियम कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। वह नियम क्या कर रहे हैं कि सुप प्रत्यय से परे रहने पर, सुप प्रत्यय के परे रहने पर यदि और सभी प्रकार के र को विसर्ग हो सकता होता तो भगवान पाणिनि जी को रोह सुपी सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, यानी वह खरवसाने और विसर्जनिया सूत्र से बहिर्भूत इस को मान रहे हैं, है ना। यानी रू क्या कह रहे हैं कि अब सुप प्रत्यय यदि सामान्य सभी जगह खर हो या अवसान हो, कोई भी खर हो कोई भी अवसान हो तो किसी भी रेप को विसर्ग किया जा सकता है, पर यदि सुप प्रत्यय है तब तो केवल रू को ही आप विसर्ग कर सकते हैं और किसी को विसर्ग नहीं कर सकते। यह एक ऐसा विशेष नियम बनाए, जो कार्य पिछले सूत्र से हो रहा था वही कार्य फिर किसी नए सूत्र से किया तो फिर किसी नए सूत्र से किया जाना वही कार्य वह एक नियमन हो जाता है। यानी अब यह कार्य केवल इसी को ही होगा और किसी को नहीं होगा, यानी केवल रू को ही होगा, रो रेव ऐसा कह दिया, रोह एव रू को ही होगा विसर्ग सूती। तो अब ये तो नहीं हो पाएगा, इसको तो नहीं हो पाएगा ना, इस र को तो विसर्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रू नहीं है। तब भाई इन र इन प्रत्यार का वर्ण है कि नहीं, ये इतना तो इण में आता है, इण अथवा कवर्ग के बाद आदेश अथवा प्रत्यय का दंत स हो तो उसको मूर्धन्य हो जाया करता है। ठीक, सत्वम कर लिया हमने आदेश प्रत्यय हो नियम से, आदेश प्रत्यय हो लगा लिया। तो अब प्रश्न उठा चतुर धन शु, यहां भी अचोरहाभ्याम द्वे नियम लगेगा, लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये रहा अच, ये रहा र अथवा ह, उसके तुरंत बाद ये रहा यर, तो इस यर को डबल कर डालो यानी ऐसा बना डालो, बनेगा नहीं यद्यपि पर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा बना डालो, ये शा फिर इस पे ऊ की मात्रा, ऐसा बना डालो। ठीक, विकल्प से डबल कर डालो। अचोरहाभ्याम द्वेज करने लगे तभी उनको रोकने के लिए सरोच नियम आ गया। सरोच क्या कहता है, यहां पर आप देखिएगा क्या क्या आ रही है अनुवृत्ति, अचोरहाभ्याम द्वे से द्वे की अनुवृत्ति आ रही है और उसी 47-48 के आसपास कोई सूत्र होगा न से जहां की अनुवृत्ति आ रही, न पदांतर चोरनाम यही है, तो वहां से न की अनुवृत्ति आ रही है, बस हो गया काम बन गया। क्या हो गया, अची यानी अच प्रत्यय पर में हो, अच प्रत्याहार का कोई वर्ण, अच प्रत्यय नहीं, अच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में हो, कौन सा वर्ण, अच प्रत्याहार का कोई वर्ण यदि तुरंत पर में हो तो शरह, शरह मतलब क्या होता है, ये शरह नहीं ये शर, ठीक, इस शर को
इस शर शर के तुरंत बाद अच हो, शरह अचि, शरह अचि, शर के तुरंत बाद अच हो तो न द्वे तो दो नहीं हो पाता उसको। अच्छा और आप हम द्वे जी द्वे कर रहे थे तो शरोचि ने कहा कि नहीं दो नहीं होगा, शर के बाद यदि अच हो तो उस शर को आप द्वित्व नहीं कर सकते। वैदिक साहित्य में यद्यपि मिलता है कुछ उदाहरण जहां पर शको डबल हुआ है पर अच प्रत्याहार पर में हो तो लौकिक साहित्य में नहीं होता। ठीक है, इतना बात स्पष्ट है, इतनी बात आगे चले तो द्वेना हो गया सरोचि द्वेना। अचि परे अच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में हो यानी कोई स्वर वर्ण पर में हो तो शर के स्थान पर डबल नहीं हो सकता। ये रहा अच ऊ, उसी के कारण इस शर शस्व में से एक है उसको डबल नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही रह जाएगा चतुर्षु। ठीक, तो चतुर शब्द भी खत्म, चत्वारह चतुरह चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्णाम दो रूप, चतुर्णाम डबल डबल वाला और चतुर्णाम और फिर उसके बाद चतुर्षु, स्पष्ट है। अब इसके बाद बारी आएगी हाँ हा या वर खत्म हो गया, लास्ट पर समाप्त तो होने वाला कोई शब्द नहीं मिला होगा इनको, है ना। फिर उसके बाद ल के बाद यहाँ यहाँ पर खत्म होने वाला कोई शब्द नहीं मिला होगा। ठीक, माँ पर खत्म होने वाला शब्द मिल गया, कौन सा शब्द, प्रशाम, यह मैं लिख रहा हूं प्रशाम। तो यहां प्रशाम में शम उपशमे धातु है, धातु से ही शाम बन गया उसका। ठीक, अनुनासिक से कुछ हलो गति ऐसा कुछ नियम लगेगा, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, अनुनासिकांत के उपधा को दीर्घ हो जाएगा, शम था शाम हो जाएगा। ठीक, तो प्रशाम यह जो शब्द है यहां पर जो म दिखाई पड़ रहा है वो धातु का म है, किसका म है, धातु का म है। ठीक है, तो एक मिनट तनी ऊपर खसकाते हैं इनको। खाली इतने काम खत्म, बाकी और कुछ नहीं बताएंगे, सारा रूप आप समझते जाइए। खाली एक रूप बता दी, एक रूप खाली बता दिए, बाकी सब आप बनाते जाइए, चलेगा, बनाएंगे, काहे नहीं बनाएंगे। हाँ है प्र शाम, यह शब्द बनाने के बाद फिर किम शब्द पर आएंगे, म अंत में आने वाले, तो प्रशाम तक पहुंचे। इसके बाद लगाते हैं सुप्रत्यय, सु में से बचा स, ठीक, नकारा मकारांत होने के कारण, हलंत होने के कारण इसको हम हल्ञाभ्यो दीर्घासुति से प्रक्तम हल से समाप्त कर देंगे। अब पद का अंतिम वर्ण म हो गया। अगर किसी भी पद का अंतिम वर्ण म हो और वह धातु का अवयव हो, म धातुर्मस्य, धातु का म हो, किसका म हो, यहां शम उपशमे धातु था उस धातु का म है। ठीक, तो धातु का म हो तो उस धातु के म को न हो जाया करता यदि वह पद के अंत में आ रहा हो तो, बस खत्म। धातु का म है कि नहीं, ये धातु का ये है म, ये पद के अंत में है, इस म को कर दीजिए आप न, प्रशान बन गया, प्रशान खत्म। ठीक, अब औप्रत्यय लगाएंगे तो प्रशान, प्रशान तो बन गया प्रशाम औ। अब यहां धातु का म पद का अंतिम वर्ण नहीं रह गया इसलिए मोनो धातु नहीं लग पाएगा, तो प्रशामौ, प्रशामः, प्रशामम, है ना, प्रशामम बनेगा। और प्रशामौ, प्रशामः ऐसे बनेगा, प्रशामा। फिर अभी भ्याम इत्यादि को छोड़िए, भी प्रशामे,
प्रशामः प्रशामः प्रशामोः प्रशामाम प्रशामि प्रशामोः ऐसा सब बन जाएगा। जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। पर आज यही रोकते हैं प्रशाम शब्द के बाद, किम शब्द को थोड़ा किमह कह करके, किम को क बना करके अजंत कर लेंगे तो कह कौके इत्यादि रूप बनने लग जाएगा, रामः सर्व सर्वो सर्वे की तरह किमह कह लग जाएगा तो वो सर्व शब्द की तरह इसका रूप चलने लग जाएगा। ठीक है, इसको यही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।